नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे लहंगे में फिल किस तरह से आप अटैच करके एक नॉर्मल अम्ब्रेला लहंगे को आप बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आप कैनवास की स्ट्रिप और पेपर कैनवास के साथ में फिल को कैसे अटैच कर सकते हैं, इस वीडियो में आप ये देखेंगे। इसके लिए हमने ये अम्ब्रेला का लहंगा लिया है जिससे सादा स्टिच हो गया, यानी बेल्ट चेन साइड की फिटिंग की स्टिच सब हो गया है। अभी अस्तर का जो नीचे का घेरा है वहाँ पर फिल आएगी हमारी, तो उसे मेजर करना है। नीचे का घेरा हमारा 160 इंच का आ रहा है, इसे 3 गुना करेंगे क्योंकि हमारी जो फिल है उसमें प्लीट्स आएगी, तो इसको हमें 3 गुना करके ये इतनी लंबी फिल लेनी है, ये स्ट्रिप लेनी है। और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 5 इंच की। और ये जो स्ट्रिप है इसके नीचे हमने पेपर कैनवास चिपकाया है जिससे इसकी लुकिंग बहुत अच्छी आएगी। नीचे आपकी जो फिल रहती है वो लूज लूज नहीं रहेगी, ये कड़क रहेगी। इस तरह से हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और शुरू का हिस्सा थोड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद में हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है और उसके ऊपर सिलाई लेनी है। तो आप जब ये प्लीट्स लेंगे और ये सिलाई लेंगे उसके ऊपर, तो ये हमारी जो पट्टी है ये हमारे घेरे के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे हमने 160 इंच की 3 गुना किया है तो ये 160 इंच का हो जाएगा। इस तरह से पेपर कैनवास लगाने से ये बहुत कड़क रहेगा, जो हमारे लहंगे के नीचे के हिस्से में जब ये फिल आती है तो वो कड़क रहेगी, तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से मैंने ये सारी प्लीट्स लेके ये स्ट्रिप रेडी कर दी है हमारी फिल की। इस फिल को अटैच करना है यहाँ इसके घेरे में, और उसी के साथ में हम अटैच करेंगे पेपर कैनवास की पट्टी को। तो यहाँ लहंगे के घेरे में राइट साइड में इस तरह से पट्टी को रखेंगे फिल को, और उसके ऊपर हमारी कैनवास की पट्टी। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का ये कैनवास की पट्टी ली है और उसकी दोनों साइड में अस्तर का मार्जिन रखा है। एक साइड में हमने पट्टी को फोल्ड करके सिलाई ले ली है, दूसरी साइड में जो खुला हिस्सा है इस तरह से इसको प्लेस करेंगी, तो हमारा लहंगा उसके बीच में रहेगी फिल, उसके ऊपर ही कैनवास की पट्टी। इस तरह से हमने इसको रखना है और पूरे घेरे में अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे लहंगे का राइट साइड है, अस्तर वाले हिस्से का ये राइट साइड, इसके ऊपर ये फिल और इसके ऊपर ये कैनवास की पट्टी। जो खुला हिस्सा है, फोल्डेड हिस्सा, हमने दूसरी साइड में रखना है, खुला हिस्सा यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर शुरू का कुछ हिस्सा फिल का और कैनवास की पट्टी का हम छोड़ देंगे, उसके बाद में सिलाई लेना शुरू करेंगे। कैनवास के पास पास हमने ये सिलाई लेनी है, कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं लेनी है। आप सिर्फ कैनवास अपने लहंगे पे अटैच करना चाहते हैं तो उसका वीडियो अपलोडेड है, और आपने अगर कैनवास की ये वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस तरह से ये स्ट्रिप और ये फिल हमें पूरे घेरे में अटैच करनी है। जहाँ हमने शुरू किया था हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर हम ये सिलाई लेके अभी छोड़ देंगे। इसके बाद में हमारा जो लहंगे में ये फिल का हिस्सा जितना खाली है, हमें ये चेक करना है कि ये कितना खाली है, ये शुरू के हिस्से की फिल और ये हम जहाँ एंड में आए हैं वहाँ तक आपको ये देखना है। तो थोड़ा शुरू के हिस्से की फिल के ऊपर ये हमारी फिल आनी चाहिए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो पट्टी है फिल की उसे हम कट कर देंगे और ऊपर से सिलाई खोल देंगे इस तरह से, और इसे ओपन करना है। डबल किया था तो इसे सिंगल करेंगे, और यही तरीका हमने जो शुरू में ये फिल को अटैच किया है उसको भी थोड़ी ये सिलाई खोल देंगे। ये सिलाई खोलने के बाद एक एक हमने पट्टी, ये जो प्लीट्स है उसको भी ओपन किया है। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए मैच करना है, और पट्टी को इस तरह ओपन करके हमें इसे ज्वाइन कर देना है। दोनों राइट साइड के हिस्से पट्टी के अंदर की और की साइड में फेस कर रहे हैं, और यहाँ से हम सिलाई ले लेंगे जिससे ये दोनों स्ट्रिप यहाँ पर जुड़ जाएगी। इसे हमने ओपन करके सिलाई ली है, फिर सिलाई लेने के बाद इसे वापस डबल कर देंगे
इस तरह से ये डबल कर दिया हमने। अभी देखिए ये जो खुला हिस्सा हमने प्लीट्स खोली है, ये प्लीट्स जमाते हुए लहंगे में जितना हिस्सा ये हमारा घेरे में जितना बाकी है थोड़ा सा, वहाँ पे ये प्लीट्स लेके इसे लॉक कर देंगे। पहले यहाँ पर फ्रिल को लॉक कर देंगे। अभी कैनवास की पट्टी को हमने छोड़ दिया है, पहले इस फ्रिल को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप चाहें तो पूरी फ्रिल को एक ही साथ में कर सकते हैं, पर यहाँ पर फिर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो आपको बाद में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत रहेगी, इसीलिए हम इस तरह से खुला करके बाद में लॉक करेंगे इसे। अभी आप बारी आती है कैनवास की पट्टी की, तो जो शुरुआत वाली कैनवास की पट्टी है इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से एंड वाली पट्टी को इसके ऊपर रखना है। और देखिए यहाँ पर हमें कितनी चाहिए, जितनी हमने फोल्ड की है उसी के ऊपर का हिस्सा, इतना हमारी ये ऊपर वाली पट्टी चाहिए। तो हम ये बाकी की एक्स्ट्रा कैनवास की पट्टी को कट कर देंगे और इसके बाद में इस तरह दोनों को प्लेस करके ये पूरी सिलाई लेके इसे लॉक कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर फ्रिल और कैनवास की पट्टी अटैच हो गई है। अभी इस कैनवास की पट्टी को हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और ये हमारी फ्रिल इस तरह से दोनों साइड में फिनिशिंग वाली रहेगी। ये राइट साइड में भी और रॉन्ग साइड में भी ये फिनिशिंग वाली रहेगी। और अब ये कैनवास की पट्टी को हम रॉन्ग साइड में अटैच करना शुरू करेंगे। ये कैनवास की पट्टी स्ट्रेट होती है और ये अस्तर का अस्तर की जो पट्टी है कैनवास के ऊपर वो भी स्ट्रेट है। यहाँ पर आप उरेप का लेने का कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ अब कैनवास की पट्टी के ऊपर हमारी छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी और फिर ये पूरी यहाँ पे हमने सिलाई लेनी है। सिलाई इस तरह से लीजिए कि यहाँ हमारे लहंगे के घेरे में कोई झोल ना आए। कैनवास की पट्टी के ऊपर तो छोटी छोटी प्लीट्स आएगी ही। तो इस तरह से ये कैनवास की पट्टी और ये फ्रिल दोनों कैनवास के साथ में ही हैं। फ्रिल में भी हमने पेपर कैनवास लिया है और इस तरह ये हमारा जो शुरुआत का हिस्सा है जो ओपन थी हमारी कैनवास की पट्टी, यहाँ पे ये लॉक की स्टिच लेंगे और ये हमारी पूरी कैनवास की पट्टी अस्तर के घेरे में अटैच हो जाएगी। इस तरह से हमारी पेपर कैनवास और कैनवास की स्ट्रिप दोनों अटैच हो गई है। फिर के साथ में फिर दोनों साइड में फिनिशिंग वाली रहेगी और ये कड़क रहेगी। यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है ये इस तरह से इसके ऊपर रहेगा, तो फिर हमारी इतनी दिखेगी, थोड़ी कवर हो जाएगी, मेन फैब्रिक का जो घेरा है लहंगा उससे कवर हो जाएगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है, आपको लहंगे अम्ब्रेला के बनाने आते हैं तभी आप इसे बना सकते हैं। और इस तरह से ये हमारी फ्रिल अटैच हो गई है और कड़क कड़क रहेगी क्योंकि यहाँ पर फ्रिल में हमने पेपर कैनवास यूज़ किया है जिसके कारण फ्रिल बहुत कड़क रहेगी और लहंगा पहनने के बाद में ये फ्रिल मुड़ेगी नहीं। अगर आप पेपर कैनवास यूज़ नहीं करते हैं और ऐसे ही फ्रिल लगा देंगे तो वो पहनने के बाद मुड़ेगी और वो अच्छा लुक नहीं देगा। और यहाँ पेपर कैनवास और ऊपर कैनवास की पट्टी के कारण ये लहंगा भी फूला फूला रहेगा। और आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके इस तरह से ये फ्रिल अटैच कर सकते हैं कैनवास के साथ में, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।